नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित गौरव शर्मा आपके लिए एक ऐसा उपाय लेके आया हूँ जो आप घर बैठे कर सकते हैं। किसी के ऊपर आपने वशीकरण करना, जिस व्यक्ति के ऊपर आपने वशीकरण करना है उसका नाम, उसका फोटो, जिसके ऊपर वशीकरण करना, जैसे भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, आप किसी के ऊपर वशीकरण कर सकते हैं। बस आपको क्या चाहिए, एक फोटो उसका और उसका नाम, उस फोटो और उसका नाम चाहिए, और कुछ सामग्री अपने को चाहिए, जैसे कि एक सेब होना चाहिए, 5 लौंग होनी चाहिए, 2 केले होने चाहिए, और गणेश जी और लक्ष्मी का फोटो होना चाहिए, सिंदूर होना चाहिए, मौली होनी चाहिए। ये सामग्री घर में आपको मिल सकती है आसानी से। तो आपने क्या करना है, जिसके ऊपर आपने वशीकरण करना है उसका फोटो, उसका नाम। एक सेब लेना है, उस सेब को, उस फोटो को सेब के ऊपर रखना है आपने। उसके बाद में आपने क्या करना है, 7 बार ये क्लेवा उस फोटो और सेब के ऊपर बांध देना है सेब से। उसके बाद में 7 बार ऐसे करने के बाद और उस बंदे का नाम लेना जिसके ऊपर आपने वशीकरण करना, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, जिसके ऊपर वशीकरण करना है उसका फोटो, उसका नाम जरूर लेना आपने। फिर उसको एक दीपक जलाइए, घर के मंदिर में दीपक जला करके उसको 7 बार घुमा लीजिए, और जिसके ऊपर आप वशीकरण करें उसका नाम जरूर 7 बार लेना आपने। फिर उसको आपने क्या करना है, एक नदी पे जाना है, नदी पे जाकर के आप इस सेब को जल प्रवाह कर देना है। जल प्रवाह करने के बाद 31 घंटे के बाद वो जिसके ऊपर आपने वशीकरण किया है वो खुद ब खुद चल के आपके पास में आएगा, ना कि आपको उसके पास में जाना है। यह विधि करने से पहले एक बार हमसे संपर्क जरूर कर ले, जो आप उपाय करने वाले हो, जो आप करना चाहते हो, कहीं आपसे गलत तो नहीं हो रहा है। जय माता की।